कमलेश कमलेश से बात करेंगे, लेकिन देखिए अब ये प्रधानमंत्री अलग से दिख रहे हैं जाते हुए। हाँ बताइए कमलेश। जी अंजना, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शिंजो आबे दोनों थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए जाएंगे। शिंजो आबे जो है वो अपने होटल जाएंगे, थोड़ी देर के बाद फ्रेश होने के बाद वो सीरी सैयद की जाली पर जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें उसका पूरा दौरा करेंगे। और आप इस वक्त देख सकते हैं ये जो काफिला है, पहले जो ओपन जीप में आया था और अब एक गाड़ी में, आप इस गाड़ी में देख सकते हैं जापानीज प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ में इस गाड़ी में यहाँ पर अपने होटल की तरफ रवाना हो रहे हैं। तकरीबन एक आधे घंटे के विश्राम के बाद वो फिर से अपने अगले आइटिनरी पर जाएंगे। इस काफिले में सिर्फ जापान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी है, और उनका ये पूरा जो है कैवलकेड उनके साथ में गुजरता हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आधे घंटे का अगर हम माने तो फ्रेशन अप होने के लिए या दोनों के लिए ब्रेक होगा, और उसके बाद अगली आइटिनरी होगी सीरी सैयद की जाली, जहाँ पर दोनों नेता मिलेंगे, वहाँ पर भी उनके बीच में चर्चा होगी। वो जगह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बताएंगे, उस ऐतिहासिक जगह का महत्व उन्हें बताएंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक जगह मानी जाती है सीरी सैयद की जाली, और उसके बारे में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें वहाँ पर देंगे, और उसके बाद में फिर डिनर डिप्लोमेसी होगी और गुजराती भोजन के साथ आज के दिन का उनकी आइटिनरी खत्म होगी। अंजना बिल्कुल, आप कमलेश आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक भव्य स्वागत, जबरदस्त अभूतपूर्व 8 किलोमीटर का दो प्रधानमंत्रियों का रोड शो, और फिर वो बापू के आश्रम तक पहुंचा। थोड़ी देर का, लगभग आधे घंटे का इस वक्त विराम लिया जाएगा, जिसके बाद सीधी सैयद की जाली जिसका जिक्र कर रहे हैं कमलेश, 16वीं शताब्दी में बना हुआ, उसकी तरफ आगाज होगा और वहां से फिर यह काफिला आगे बढ़ेगा। ये तस्वीरें दरअसल एक नई उड़ान भर रही हैं दोनों देशों के रिश्तों में। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह की मेहमान नवाजी आज की है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की। एक नई भारत दोनों देशों के रिश्तों में। यह भव्य रोड शो 8 किलोमीटर के सड़क को कवर करता हुआ आगे बढ़ा, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसी के साथ आम लोगों को आने दिया गया क्योंकि उनके लिए यह एक अद्भुत नजारा था। आश्चर्यचकित आंखें देख रही थी कि कैसे दो प्रधानमंत्री ओपन जीप में उनकी आंखों के आगे से सड़कों पर गुजर रहे थे, और फिर ये काफिला पहुंचा गांधी आश्रम, और गांधी आश्रम में साबरमती के संत की सोच और उनकी मूरत को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि दोनों प्रधानमंत्रियों की तरफ से। संबित पात्रा हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इसी खबर पर जुड़ गए हैं। संबित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो भव्य स्वागत किया है उसी के साथ एक नई इबारत जैसे दोनों देशों के रिश्तों में लिखी जा रही है। बिल्कुल सही बात है, जिस प्रकार के विहंगम दृश्य हम आपके टेलीविजन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही आह्लादित करने वाले हैं, प्रसन्न करने वाले हैं। दो देशों के बीच जिस प्रकार का एक रिलेशन बन रहा है इंडिया और जापान के बीच, मैं आपको याद दिलाऊं, इंडिया और जापान के बीच का ये रिलेशन, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी और शिंजो आबे के बीच ये रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ। प्रधानमंत्री बनने से पहले जब गुजरात और जापान के बीच एक रिलेशन रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे गुजरात का, उनका बड़ा स्पेशल रिलेशन जापान के साथ रहा है। जब 2012 में भी वो गए थे तो इसी प्रकार का एक रिलेशनशिप शिंजो आबे के साथ बना, और आज उसको हम एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, आज के जो रोड शो को, जो लगभग 8 किलोमीटर लंबा रोड शो रहा है, उस रोड शो का जो मुख्य बिंदु रहा, जो मैं अभी टेलीविजन में देख भी रहा हूं, बोल्डनेस, स्टेटमेंट ऑफ बोल्डनेस एंड क्लोजनेस। अब देखिए, आज तक अमूमन हमने देखा नहीं है प्रधानमंत्री किस प्रकार एक ओपन जीप में, मगर नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ही ये बोल्डनेस दिखाया है एक ओपन जीप में, जिस प्रकार वो शिंजो आबे और उनकी धर्मपत्नी के साथ चले। मुझे लगता है अहमदाबाद के निवासी ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के निवासी जो इस रोड शो को देख रहे थे उनके लिए आश्चर्य का विषय रहा है। व्यक्तिगत रूप से जैसे ही मैंने ये दृश्य देखा कि वो
ओपन जीप में जा रहे हैं। मुझे एक और बात याद आई कि डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस ओकेजन, आप याद करिए जब लाल किले से प्रधानमंत्री 15 अगस्त का भाषण करते हैं, स्वतंत्रता दिवस की भाषण करते हैं, जो हाल फिलहाल में उन्होंने किया भी था, उस समय भी डिपार्चर रहा है। पहले तमाम प्रधानमंत्री किस प्रकार एक अंदर बुलेट प्रूफ के अंदर करते थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे जताया, अपने देशवासियों पे जताया, और जो डायरेक्ट कांटेक्ट उनका देशवासियों के साथ रहता है, ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला और बहुत ही अद्भुत होता है। उसके लिए मुझे लगता है कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। और जहां तक कि ये मीटिंग क्यों हो रही है, देखिए ये मीटिंग यू तो 12th इंडो जापान एनुअल समिट है, मगर स्पेशल स्ट्रेटजी सामरिक रूप से भी और ग्लोबल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने का और बुलेट प्रूफ का, जिसका इनॉग्रेशन कल एक पब्लिक फंक्शन में भी होने वाला है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। डॉक्टर पात्रा, निशांत हूं यहां पर मैं आपके साथ। अब आप जो बता रहे हैं, जो एक स्टेटमेंट ऑफ बोल्डनेस है, जो जो आप चीज बता रहे हैं, शोभा ओझा जी हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस पर, आलोक मेहता जी भी है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शिंजो अबे, ये जो एक दोस्ती है ये अपने आप में एक मिसाल है। 3 साल में 10 मुलाकातें और ये चौथी समिट। लेकिन एक और चीज यहां पर गौर करने वाली है, जिस चीज को बड़ा तवज्जो देना है, कि यह पहला किसी राष्ट्राध्यक्ष का विजिट है 2.5 महीने के डोकलाम विवाद के बाद, और उस डोकलाम में जापान ने सीधे तौर पर भारत का साथ दिया, यहां तक कि चीन ने जापान को हड़काने की भी कोशिश की कि जब तक कुछ पता ना हो तो बीच में दखल ना दे। लेकिन यह देखें आप, ये तस्वीरें उस दोस्ती की इबारत की हैं। निकट में चुनाव है गुजरात में, और शिलान्यास, ये बल्कि ये कहा जाए उस चीज की नींव रखी जा रही है जिसे बुलेट ट्रेन एक सपना कहा जा रहा है, और इस वादे के साथ कि हमारी अगली सरकार जब बनेगी उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले वो बुलेट ट्रेन बन के तैयार हो जाएगी। 8 किलोमीटर लंबा ये सफर शिंजो अबे और प्रधानमंत्री मोदी का, 10 मुलाकातें 3 साल में, ये अपने आप बताती हैं कि भारत और जापान के बीच में जो जो मित्रता है वो कितनी गहरी है। जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बात की जाए तो ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आगे बढ़ते हुए, अहमदाबाद से वेलकम, वाराणसी में मिले, क्योटो में मुलाकात, आखिरी मुलाकात जो हुई वो भी आपको बता दें, वो आखिरी मुलाकात थी G20 समिट में हैमबर्ग में जुलाई में, इस साल जुलाई में जो मुलाकात हुई थी, और बकायदा नवंबर 2016 में टोक्यो में मुलाकात हुई, वहां पर गए, एक लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तब कोबे भी गए थे और उनके साथ शानका सिंह, जो बुलेट ट्रेन होती है उसमें ट्रैवल किया उन्होंने। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, और यहां पर देखें आप, ये तस्वीरें अपने आप में इस चीज को बता रही हैं कि आखिर ये दोस्ती, ये मित्रता, ये कितनी गहरी है। हालांकि इन दोनों की मित्रता सिर्फ इस पद से नहीं है, पहले से है। ये वही साबरमती आश्रम है जहां पर शी जिनपिंग भी आए थे, ये वही साबरमती आश्रम है जहां पर शिंजो अबे भी आए, और कितना फर्क है दोनों में, इन दोनों की नियत और सोच में फर्क है। पहली मुलाकात इनकी 2007 में हुई थी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आप, पहले यहां पर शिंजो अबे को सब कुछ बताते हुए, फिर साथ में बैठे, जहां पर वो चरखा था वो दिखा रहे हैं किस तरीके से सूत काटा जाता है, किस तरीके से चरखा से बुना जाता है। भारतीय लिबास में पहले जब आए सूट पहनकर आए, और फिर उन्होंने भारतीय परिधान पहने, उनकी पत्नी ने भारतीय परिधान पहने, और फिर 8 किलोमीटर का ये लंबा सफर, और ये लंबा सफर ओपन जीप में, एक मैसेज देने की कोशिश की कि गुजरात उनका उनका प्रदेश है, यहां पर सुरक्षा, यहां पर इन सारी चीजों को एकदम साइड में रखा जाता है। यही चीज सूरत में भी देखने को मिली थी, ओपन जीप थी, एयरपोर्ट पर स्वागत होता है, काफी रंगारंग रोड शो होता है, गरबा होता है, हुजूम उमड़ता है, यहां पर 12 स्पॉट्स बताए गए जहां पर इनका स्वागत हुआ। और ये देखें आप तस्वीरें,
अब इस सबके बाद आपको लेके चलते हैं साबरमती आश्रम की, वो तस्वीरें दिखाते हैं। वो साबरमती आश्रम में जरा ध्यान से इन तस्वीरों को देखें आप। महात्मा गांधी 1917 से 1930 तक यहाँ पर थे। पहले ये दिखा रहे हैं किस तरीके से सूत काटा जाता है, वो दिखाया जा रहा है। एक एक चीज उनको बताई गई। शिंजो अबे और उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है। और भारत और जापान में जो एक कॉमन फैक्टर है वो ये है कि दोनों ही देशों का कल्चरल हेरिटेज बहुत है। और ये देखें किस तरीके से, और ये बड़ी खूबसूरत बात है, भारतीय परिधान में जिसको कहा जाता है ये एक जिसको डिप्लोमेसी का एक नया तौर, डिप्लोमेसी का एक नया तरीका। और ये पहली मुलाकात नहीं है जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और इसमें एक बड़ा रोचक दृश्य ये था कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो अबे को वो BMW गाड़ी में बैठा के रवाना किया साबरमती आश्रम से, तो उनमें कुछ बातचीत हुई और जोर से वो हंसने लग गए। ये देखें यहाँ पर जो विजिटर्स रजिस्टर होता है उसमें इन्होंने साइन किया, अपनी बात रखी। जो 9th इंडो जापान समिट हुई थी दिसंबर 2015 में, तब इस बुलेट ट्रेन वगैरह की नींव रखी गई थी। अब सीधे चलते हैं, हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। शोभा ओझा कांग्रेस से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर आलोक मेहता जी, और थोड़ी देर में हमारे साथ जफर सरेशवाला जी भी जुड़ने वाले हैं। शोभा ओझा जी, आपने सुना डॉक्टर संबित पात्रा ने क्या कहा, जो टीवी पे तस्वीरें आ रही हैं वो भी बता रही हैं, और जो बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है वो भी की जा रही है, आपकी टिप्पणी इस पर। नहीं आ रही है शोभा जी, आप मुझे सुन सकती हैं? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने को। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है शोभा जी? आप तक फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर पात्रा। एक और चीज है यहां पर, एक चीज जो सबसे समझने वाली बात है और मैं आपसे जानना चाहूंगा, साबरमती आश्रम तक सब ठीक है, अब आगे वो जो मस्जिद जा रहे हैं उसके पीछे की क्या वजह? देखिए, आपने स्वयं भी कहा है कि वो मस्जिद 600 साल पुराना मस्जिद है, और उस मस्जिद का एक बहुत अद्भुत सूफियाना अंदाज है। उस मस्जिद में जिस प्रकार की जाली बनाई गई है और जिस प्रकार का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर उस मस्जिद का है, वो अपने आप में बड़ा नायाब है। तो ऐसे में एक सिंक्रेटिक कल्चर, एक गंगा जमुनी तहजीब भारतवर्ष का। आप देखिए, जब ये रोड शो हो रहा था, कहीं मणिपुरी डांस हो रहा है, कहीं असम का बिहू हो रहा है, कहीं गरबा हो रहा है, कहीं डांडिया हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। तो ऐसे में एक जो विरासत भारतवर्ष का है कि सारे धर्म यहां मिलकर रहते हैं, तो उसको भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिंजो आबे और उनके परिवार के सामने, उनके देश के सामने रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, एक बहुत शुभ संदेश जाता है, ना केवल जापान को मगर टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व को, कि इस देश में हम सब एक हैं, एक होकर रहते हैं, बहुत डाइवर्स हैं, और हमारे कमाल को देखिए, इतनी प्लुरालिटी होने के बावजूद हम एक साथ कदम से कदम मिला के डेवलपमेंट को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। नहीं, लेकिन सर एक चीज है, ये मस्जिद का दौरा पहली बार किया जा रहा है, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, तो ये डाइवर्सिटी की बात एकाएक अभी कैसे याद आ गई? नहीं देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, मुझे लगता है कि ना जाए कभी तो ये प्रश्न होता है, गए क्यों नहीं, जाएं तो प्रश्न होता है क्यों अब गए। आज देखिए, मस्जिद का जहां तक दौरा है, मुझे याद है अबू धाबी जब प्रधानमंत्री गए थे, वहां भी वो मस्जिद में गए थे, कोई परहेज किसी चीज से नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, इन विषयों को, टोपी और तिलक की जो राजनीति भारतवर्ष में चलती है, हमें इन विषयों को दूर रखना है। विकास की राजनीति में जो अपनी वास्तविकता है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, सबको एक साथ लेके चलने की क्षमता। और प्रधानमंत्री जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं, बल्कि प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास,
मैं सबका विकास चाहता हूं और सबका साथ चाहता हूं। मैं ये टोपी और तिलक की राजनीति करना नहीं चाहता हूं कि मैं किसी को एक बहुत ज्यादा चाहूं, किसी को कम चाहूं। तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करूंगा। सड़कें बनाऊंगा तो सबके लिए बनाऊंगा। जनधन योजना के माध्यम से अगर 30 करोड़ अकाउंट बनाए जाएंगे तो उसमें गिनूंगा नहीं कि हिंदुओं को कितना मिला और मुसलमानों को कितना मिला। मुसलमानों के लिए भी अकाउंट खुलेगा, हिंदुओं के लिए भी अकाउंट खुलेगा। तो मुझे लगता है यह संदेश कि आज वो मस्जिद क्यों जा रहे हैं, आखिर आज क्यों जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं गए, मुझे लगता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं होना चाहिए। मन में सम्मान होना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री के मन में सदैव ही भारतवर्ष के लिए और इसके प्लुरालिज्म के लिए रहा है। पॉइंट नोटेड सर। आलोक जी, आपकी टिप्पणी इस पर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बहादुर शाह जफर की मजार, हालांकि उनका और इस मस्जिद का जो एक एक चीज है, इस मस्जिद को भी दोनों संस्कृतियों की पहचान कहा जाता है, वो हिंदू और इस्लाम संस्कृति की पहचान, इसमें वो जो ट्री ऑफ लाइफ जिस जाली का जिक्र हो रहा है, और बहादुर शाह जफर को आखिरी फ्रीडम फाइटर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये एक अजीब सा इत्तेफाक नहीं? हाँ, मेरे इत्तेफाक कह सकते हैं चंद जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सोहाय के अहमदाबाद में साबरमती नदी का एक ऐतिहासिक महत्व और बापू का आश्रम, साबरमती आश्रम जिसको हम लोग उस रूप से जानते हैं, उसके अलावा यदि देखने के लिए कुछ है तो यही उस तरह की एक मस्जिद है, और जिसको कहते हैं वहाँ झूलती मीनार भी जिसको माना जाता है, उसके पास दिखाई देती है, जिसका एक बड़ा ऐतिहासिक एक अपना महत्व रहा है। और इसलिए यदि जापान के प्रधानमंत्री आए और आप यदि वहाँ नहीं दिखाएं, तो इससे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही इसको हिंदू राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है संबित पात्रा जी ने भी जो कहा कि निश्चित रूप से ये अभी हिंदू राष्ट्र की तरह से नहीं दिखा रहे हैं, और ये एक भारत में एक विविधता है, भारत के कल्चर है, और हमें इस बात पर गौरव है। ये बात अलग है कि इनके मंत्री नेता कल भी कुछ मुगलों को लेके या उनको कहते हैं, जबकि मुगल तो यहीं आके बस गए, वो यहीं के हो गए, तो उनको नहीं, जो आकर के भाग गए और जो बाहर चले गए या देश से अलग हो गए, उनकी बात अलग है, लेकिन जो हमारे देश की अपनी थाती रही है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने, जैसे वहाँ बौद्ध भिक्षु भी आए हैं, सो एक अच्छा संदेश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जाना चाहिए। और ख़ास करके यदि राजनीतिक ढंग से देखें, अभी गुजरात में भी चुनाव है, तो अल्पसंख्यक भाइयों को और भारत में भी लोगों को लगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही चीज मैं शोभा जी से पूछता हूँ। शोभा जी, आपकी इस पर क्या टिप्पणी है, खासकर ये जो अभी दौरा हो रहा है और इसके बाद अगला पड़ाव जो है वो उस मस्जिद का है जो हिंदू और इस्लाम की संस्कृति को जोड़ती हुई दिखाती है? देखिए, इस बात से तो नकारा नहीं जाना चाहिए कि मोदी जी बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। वो तो स्वयं लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि मोदी जी बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, और ये इवेंट मैनेजर जो इवेंट जो इन्होंने आज रखा है गुजरात में, वो अपने आप दिखा रहा है कि वो गुजरात की चुनाव की तैयारी भी है, और नहीं तो हमने तो यूपी में शमशान और कब्रिस्तान की भी बातें सुनी हैं, तो विदेश में क्या परसना, अपनी कैसे इमेज बनाना, और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना, और भले आज रेल में रेल मंत्रालय का हाल इतना बुरा है कि 28 अभी हादसे हो चुके हैं अभी, और न जाने कितने सौ लोग मर चुके हैं उसमें, जो रखरखाव चाहिए वो कहीं हो नहीं रहा, तमाम चीज़ें हैं, पर कुल मिला के इवेंट मैनेजमेंट अच्छा है। डॉक्टर पात्रा, इवेंट मैनेजमेंट अच्छा है, यूपी में हमने शमशान और कब्रिस्तान की भी बात सुनी। देखिए निशांत जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। शोभा जी का मैं सम्मान करता हूं, वो एक अच्छी प्रवक्ता भी हैं और एक अच्छी नेत्री भी हैं। मुझे लगता है ऐसे परिस्थिति में जब देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री को अगुवाई के साथ, स्वागत के साथ हिंदुस्तान में लाए हैं और एक रोड शो हो रहा है, उस समय मैं और शोभा जी अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, हिंदुस्तानी के नाते इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसे समय में जापान के लोग जी बैठे हैं, पूछिए, जापान के जो वरिष्ठ लोग हैं वो अभी हमारे मीडिया को ऑब्जर्व करते हैं, ये मॉनिटर होता है कि आखिर इंडिया में किस प्रकार का माहौल है। जैसे हम मॉनिटर करते हैं ना, जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रही होती है, दूसरे प्रवक्ता उनके क्या कह रहे होते, ऐसे जापान वाले भी मॉनिटर करते हैं। जब हमारी मुख्य विपक्षी दल कहती है ये प्रधानमंत्री तो केवल इवेंट मैनेजर हैं। हम आपको बता रहे, एक शानदार यहां पर शुरुआत हुई, बड़ा जबरदस्त स्वागत हो रहा है, हालांकि इस पर थोड़ी थोड़ी राजनीति तो मैं भी चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है और यह सब होता रहता है। लेकिन अभी तस्वीरें बड़ी खूबसूरत आपके सामने, एक तरफ शिंजो आबे भारतीय परिधान में और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम जाते हैं, 8 किलोमीटर लंबा सफर ओपन जीप में,
ये बड़े सालों के बाद ओपन जीप में प्रधानमंत्री को भारत की सड़कों पर देखा गया होगा, बड़े सालों के बाद। शोभा ओझा जी हमारे साथ हैं। शोभा ओझा जी, आप बात शंबित पात्रा जी की ये थी कि देश एक है, आज पार्टी की बात ना हो, आज देश की बात हो, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है हम क्या कर रहे हैं। देखिए, देश एक है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इस देश को एक ही माना है, कभी देश को तोड़ने वाली बातें नहीं कही है, पर आप असलियत से भी तो आंख नहीं मोड़ सकते। क्या ये एक इवेंट मैनेजमेंट नहीं है? क्या ये गुजरात की एक तैयारी को लेकर एक रोड शो नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता तो राजनायक आते हैं, बाहर देशों से आते हैं, दिल्ली भी आते हैं, आज गुजरात में पूरी तरह से ये रोड शो केवल और केवल चुनाव को लेकर, जो इनसिक्योरिटी है इनको गुजरात में, जो हालात हैं आज गुजरात में, पूरी तरह से घबराए हुए हैं। आज ही आप ही का चैनल और कई चैनल दिखा रहे थे किस तरह के बड़े बड़े गड्ढे गुजरात के शहरों में, विकास के नाम पर जो वहाँ भद्दा मजाक जनता के साथ हुआ है, जो विकास का एजेंडा को कितना बड़ा धक्का आज गुजरात में लगा, जिस गुजरात को रोल मॉडल बता के पूरे देश को भ्रमित किया गया, और जो आंकड़े और तमाम चीज़ें दिखाई गई कि गुजरात से ज़्यादा डेवलपमेंट कहीं नहीं हुआ है, आज गुजरात की हालत हम देख रहे हैं। गुजरात एक बार होके तो आइए तो समझ आएगा कि गुजरात की वाकई हालत क्या है। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, अहमदाबाद में तक, जहां खुद प्रधानमंत्री जी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे, वहां अभी मेरा जाने का मौका मुझे मिला था, और वाकई किस तरह के हालात हैं वो देखने जैसे। कोई गड्ढा नहीं था। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। जफर सरेशवाला जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वाइस चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद।